दोस्तों सब्सक्राइब करें टॉप वर्ल्ड वाइड क्रिकेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन दबाएं क्रिकेट की खबरें सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका से इस T20 सीरीज को जीत जाए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का दूसरा मैच मोहाली में खेला जा रहा है। सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दक्षिण अफ्रीका के लिए एनरिक नोतरजे, बियोन्र ओटियून और टेम्बा वमुमा ने अपना डेब्यू किया। मेहमान दक्षिण अफ्रीका को उनके कप्तान क्विंटन डिकॉक ने तेज शुरुआत दी। दूसरे छोर पर रिजा हेंड्रिक्स लगातार जूझ रहे थे, लेकिन डिकॉक ने शुरुआत से ही अपने इरादे साफ कर दिए। चौथे ओवर की 5वीं गेंद हेंड्रिक्स 11 गेंद में 6 रन बनाकर दीपक चहर का शिकार बने। पहला विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए जेम्बा वमुना ने कप्तान डिकॉक का अच्छा साथ निभाया। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 57 रन जोड़कर टीम को अच्छी स्थिति में ला दिया। डिकॉक 37 गेंदों में 52 रन बनाकर नवदीप सैनी का शिकार बने। यह T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका तीसरा अर्धशतक था। क्विंटन डिकॉक ने आउट होने के बाद दक्षिण अफ्रीका की पारी पटरी से उतर गए। उपकप्तान राशि वान डर डूसन सिर्फ 1 रन की पारी खेलकर रविंद्र जडेजा का शिकार बने। वमुमा भी अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर पाए और 43 गेंदों पर 49 रन बनाकर दीपक चहर की गेंद पर आउट हुए। डेविड मिलर IPL में किंग्स 11 पंजाब के लिए खेलते हैं और इस मैदान पर काफ़ी क्रिकेट खेला है, लेकिन 15 गेंदों में सिर्फ 18 रन ही बना पाए। मिलर 19वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या का शिकार बने और उनके बाद निचले क्रम के बल्लेबाजों ने अंतिम ओवर में 2 छक्के लगाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। दक्षिण अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 149 रन ही बना पाई। उनके लिए कप्तान क्विंटन डिकॉक ने सबसे ज़्यादा 52 रन बनाए। भारत की तरफ से दीपक चहर ने 2 जबकि नवदीप सैनी, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या ने 1-1 विकेट लिए। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।